कोही पुलिस स्टेशन के हद में एंटी करप्शन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत मांगने वाले पुलिस हवालदार ज्ञानीवंत नथुजी गुरपड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाके से बिना किसी रुकावट मुरुम का ट्रक छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी। आरोपी पुलिस हवालदार जो कोही पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, जिसने फरियादी को पांच गांव सीमा से मुरुम से भरा ट्रक सीमा पार करने हेतु बार बार हर महीना 5,000 की रिश्वत की मांग करता था। फरियादी ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ना चाहा। आरोपी को मौके पर शंका हुई कि उसके लिए ट्रैप लगाया गया है, जिसके बाद उसने रिश्वत स्वीकारने से मना कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया है। लगभग एक माह पहले फिरियादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका ट्रक जो है, जो मुरुम होता है इधर उधर जहाँ जरूरत है वहाँ लेके जाता है, तो वो सुचारू रूप से चलाने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ की डिमांड हुई थी आरोपी की तरफ से। तो कुछ कारणवश उसको डाउट आ गया, तब वो हो नहीं पाया। अभी हमने कल उसको अरेस्ट किए हैं, आज न्यायालय में पेश करेंगे और पीसीआर लेंगे। गुरुपुड़े है हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना कुही आउटपोस्ट पाजगांव वहाँ तैनात थे, अभी वो ग्रामीण मुख्यालय में तैनात है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन की हद में इस तरह के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। मुरुम और रेती बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। जरूरत है कि एसीपी डिपार्टमेंट खुद कार्रवाई कर ऐसे रिश्वत को लोगों पर कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।